गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कितने अच्छे मेरे बाल लग रहे हैं। अब से मैंने ऐसे सोचा मैं अपने बाल ऐसे रख के जाऊंगी। बचपन में नहीं होता था ऐसे करके छोटी। देखना मेरे बाल कैसे लग रहे हैं गाइज। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये सूख रहा है और ये ठीक हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं दोबारा उसी एनर्जी में इसलिए आ पा रही हूँ क्योंकि मुझे बोलते दर्द नहीं हो रहा। देखो और ऐसे मैं ऐसे भी कर पा रही हूँ जो मैं हम जा रहे हैं बंजारा मार्केट और आज मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे वहाँ पे बहुत महंगा महंगा सामान मिलता है, मतलब मेरी औकात से बहुत ही ज़्यादा महंगा। तो मुझे ये देखना है कि वो मेरी औकात में होंगे तो मैं उनको लेके आऊँगी और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड स्टे ट्यून्ड। सो मैंने कोई ऐसा आउटफिट नहीं, बस मैं ऐसी बॉबी देओल लग रही हूँ। और यार पता नहीं आजकल मेरी शक्ल गंदी पे गंदी होते जा रही है। देखो देखो तो मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, ऐसी कहीं भी कोई भी एंगल ले लूँ लगूंगी तो वैसी ही जैसी दिख रही हूँ। और हम इंजॉय करेंगे वहाँ पे जाके। और हम यार एक चीज़ और हो गई, मतलब मुझे ना अगर मैं मार्केट वगैरह जाऊँ मुझे अच्छा लगता है वहाँ का स्ट्रीट फूड खाऊँ या कुछ खाऊँ, पर मेरा आज वर्त है मतलब इसमें मैं खुश हूँ मैं। मेरी क्या मतलब मेरी क्या गलती है। निर्जला एकादशी और ये जो लड़की है प्यारी 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 प्यारी, आज तक मैंने निर्जला नहीं रखा लेकिन भगवान जी ने मुझसे रखवाया तो मैंने 12 बजे तक रख लिया। फिर उसके बाद मैंने पानी पिया और अभी तक मैं भूखी हूँ। और पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, पानी पी लिया और मुझे कभी पोटी नहीं आती, पानी नहीं पीना होता। और पता नहीं आज ही पानी पीने का मन क्यों करा भगवान, आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। और अभी मैं पी रही हूँ शेक जो कि मैं पापा से बनवा रही हूँ और फटाफट से मैं शेक पीऊंगी। इस कैमरे के बंद होती तो ऐसे कर रही होगी तो चुप रहे। अभी हम जा रहे हैं बंजारा मार्केट और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बोलती रहूंगी कि हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं, हम जा नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है मैं जाऊंगी पापा के साथ। वो वाला वो देखे हो मास्क कैसे फाड़े हो रही है सारी। पापा को अच्छा लगता है, पापा वो देखते हैं वो जो कैचवा खा जाता है वाइल्ड इन द वर्सेस डिस्कवरी। अरे यार डिस्कवरी में एक मैंस वर्सेस वाइल्ड बोल दिया पर मेरी हिंट से तुझे मिला है। मैन वर्सेस वाइल्ड ये सोचो आप जाओ और आप पर्दा भी ना लाओ। मेरे को ऐसे लग रहा है मैं जाऊँ मैं कुछ भी ना लाऊँ, मेरे को सब इतना महंगा लगे मैं क्या करूँ। पापा ने मेरे लिए शेक बना दिया। पापा मेरे को आपको पीछे पीछे आना पड़ेगा, मेरे को शेक दे दो यार। मैं ये वाला लेती हूँ, मेरे को पूरा दे दो मैं पूरा पी लूँगी। वाह क्यों मैं ग्लास में क्यों पीऊँ, मैं इसमें नहीं पी सकती, बर्तन मंजेगा तो मैं नहीं मैम नहीं पीऊँगी यार इसमें नहीं पी सकती क्योंकि पापा तो कुछ नहीं कहेंगे पर मम्मा ऑफिस गई। अगर मम्मी ने ये व्लॉग देख लिया ना ये वीडियो तो गाइस ओए मेरे गाइस को पकड़ियो। आई मीन कानों को पिला दिया मैंने, कानों को पिला दिया। अब मैं ये पीऊंगी। पापा आप इसके लिए सब बनाना, मेरे लिए क्या है बना रहा था ये भी ले ले। पर मैं जा रही हूँ डियर बालू। सो गाइस मेरा ये है ओटीटीडी ओ ओ ओटीडी सॉरी एक बार बोलियो। सो गाइस ये है मेरा ओटीडी सही है। सो गाइस ये है मेरा ओटीडी। अब आपने इसमें क्या मिलाया था। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कागज मिले नहीं मिले ये बताओ मेरा मार्क्स का है। हाँ मुझे कब से नहीं मिल रहा है पापा चोर, आपने आज मेरा मार्क्स लिया था। डरावने वाली वोल्डेमॉर्ट वाली हंसी हंसने कह रहे। सो गाइज अभी हम फटाफट से जा रहे हैं। गाइज कहेंगे ऐसा मुंह पर लात मारूंगा खिंचा के, जा रही नहीं जा रही, एक घंटा हो गया तेरे को। अब हम जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं अब हम पहुंच गए हैं अब हम घर आ गए। मेरी छोटी सी जान का ध्यान रखना, अगर इसे कहीं भी छोड़ के गए ना आपको बताऊंगी मैं आके, फिर मम्मी से कंप्लेन करूंगी, फिर देखो बर्तन मारने पड़ेंगे आज के लिए। बस आपके होठ पे मार सकते हैं इस करके, तेरे मुंह पे मार सकते हैं इस करके। ज्यादा बार ऐसे गुस्से में आ गए अंकल, मुझे डर लगी अंकल गुस्से में, अंकल गुस्से में आ गए अंकल आज चिल्ल हो रखे हैं। मेरी चुपचाप ये मत छेड़ने की वो मत करना, पानी की बोतल मैं उठा रही हूं। पानी की बोतल ले लो, पिकनिक ले लो। पिकनिक ले लो, तुम्हारे घर में आइसक्रीम है। भाई बहुत उल्टी आई है दो बार यहाँ पे। अगर आ रहे हो आप अच्छे से ना पैक होके आओ, जो कुछ भी लाएंगे आपको दिखाएंगे। इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं ना। हाँ 1500 रुपए का मैं। 1500 1200 में कौन मिला। लगी क्या हुआ है पैर में, पैर में क्या हुआ है, क्या चाहिए क्या। हाँ फोन आज तो ज़्यादा कल पैन भाई बहुत गर्मी है यहाँ पे। वो वाला अंकल वो छोटे वाला यार वो छोटा वो डिजाइन वाला जो कौन सा वाला ये वाला छोटे वाला वो शीशा कितना लगा रहे हो ये वाला हाँ 1800
अंकल और कम अंकल 500 में कर लो चुप रहे थप्पड़ मार दो ठीक तो है अंकल यार तू चुप रहे तेरे में दिमाग खराब हो गया अरे 500 रुपए देंगे हम तो कितने लगाने तूने लास्ट अंकल भैया बताओ प्राइस ले लेंगे अंकल जाओ मत ना अंकल अंकल आपको क्या है अंकल रुको ना 1000 दिला दो ऐसे नहीं काम करवाओ 800 रुपए दे दूंगा 1000 करोगे लास्ट 1200 लास्ट अंकल आपकी अकड़ ना लगी हो रही है अंकल हम कोई ना नहीं ना हजार रुपए का सीधा मिल रहा था इतनी अभी दोबारा नहीं ये सर हाँ आंटी वाओ मेरी वजह से बिल्कुल मिलता जुलता चल अंकल थैंक यू मेरे को नहीं पता अंकल चलो आई एम सो सॉरी अंकल कुछ नहीं आंटी गर्ल इज रियल बेचारे इसको डरा दिया मामू जान आप दो तीन बाल खड़े हैं मम्मी ना तो मैं क्या करूं मम्मी ना मुझे उल्टी आ रही है आशीष मैं क्या उल्टी मैं खुद लेटी हूँ आशीष तेरी वजह से मेरे को उल्टी आ रही है बहुत गर्मी है लास्ट टाइम की तरह मैंने सोचा था कि मैं जल्द लेट मतलब लेट आऊँगी 6 बजे के आसपास अभी 6 बज रहे हैं फिर भी इतना धूप हो रखी है बहुत दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है प्लीज सुनो अपना काम करके फिर बात करियो ये ले देख मेरी आइसक्रीम तूने गाड़ी में गिरा दी उसको उठा 100 बक्स दिस फॉर 100 बक्स या एंड दिस फॉर 100 बक्स एज वेल हमने ये सामान इतना ज़्यादा चीप प्राइस में ले लिया चुप हो जा इतना ज़्यादा सस्ते में ले लिया ये सबसे ऊपर वाला देख रहे हो ये राजमहल जैसा कुछ ये हमने लिया है 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ अशु भैया का इतना भारी सामान हटा रहा हूँ लेकिन स्टाइल फिर भी नहीं कितने प्राइस में दोगे इसको मैं बोलूँगी तो फिर ये और बोलेगी कैंटी ज़्यादा बताती है इसके प्राइस से दे दूँगी ये ऐसे ही करती है हर जगह जाती है ना पैंटी पैंट से इनकी गिर के भाग रही है पैंटी इसने बांधी हुई है बिस्कुट वो होता है ना बिस्कुआ उससे लगा के ये पैंटी है जबरदस्ती ये तो मुझे आज ही पता चला सेफ्टी पिन को कुछ हिंदी में भी कहते हैं सेफ्टी पिन को क्या कहते हैं बिस्कुआ झूला है देख रही हो ये लड़की कपड़ों में कैसे घुस रही है आई हैव नेवर सीन अ गर्ल लाइक दिस एवर बिफोर तेरा स्पीड नहीं है रहने दे बड़ी पाइप है लग जाता है भैया अपने ऊपर टांग लेना ना आप पाइप से इसको यहीं से ला लो आज आंटी आंटी भी कह रही है कैसे हो रखी हूँ हे गाइस वेलकम बैक मैं घर आ चुकी हूँ और जो मैं पहले गई थी पहले क्लिप जो मैंने डाली है वो आई मक्खी सो जो मैंने पहले क्लिप डाली थी जब मैं बाजार मार्केट गई थी तब मैंने थोड़ा सामान लिया था और जब मैं दोबारा आशु के साथ गई थी तो मैंने थोड़ा सा सामान लिया था तो मैंने सोचा मैं घर आके पूरे का व्लॉग बनाऊं और आपको दिखाऊं मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं सो मैं आपको अभी सब कुछ दिखाने वाली हूँ और आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे तैयार होकर सज धज के क्यों पड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं वीडियोज़ बना रही थी अपनी इंस्टाग्राम की तो मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट से हम सब कुछ दिखाएं इसी में क्या फ़र्क पड़ता है किस कपड़ों में किस कपड़ों में नहीं और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है हमारी नीचे क्योंकि वहाँ पे मिस्त्री काम कर रहे हैं और अभी एक छोटी सी खुशी की बात है मतलब ऐसे कुछ खुशी नहीं है पर है क्योंकि मैं अपने न्यू हाउस में हूँ न्यू हाउस मैं अपना न्यू हाउस आप लोगों को भी दिखाऊंगी मतलब एक नया हाउस टूर आएगा और हम सब उसको देखेंगे और उसको लाइक करेंगे फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ सो सबसे पहली चीज अगर मैं आपको दिखाऊंगी जो टेबल है ये है मार्बल लगा हुआ है इसके अंदर और टेबल तो बहुत सुंदर है प्लस इस पे थोड़ा सामान उतरा हुआ है इसका सामान उतरने का रीज़न पता है क्यों क्योंकि और ये मुझे सस्ती क्यों पड़ी क्योंकि इसका ये पेंट उतरा हुआ था और मैंने सोचा कि मैं पेंट बाद में कर लूँगी ठीक है तो ये मुझे टोटल पड़ी है ये टेबल मुझे पड़ी है
इन 300 रुपीज। यस, इस रूम में जितना भी सामान है ऑलमोस्ट सारा बंजारा मार्केट से लिया है। तो ये छोटे छोटे आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, आई गेस प्लांट होल्डर्स हैं ये, बट ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं। ये है 20 रुपीज़ का, ओ ये है 50 रुपीज़ की बॉटल, और ये भी वही है ऐसे करके, तो ये आपको दिख रहा होगा, बड़ा क्यूट सा है, मैट लुक का है। बट ये हम बात करते हैं अपने क्यूट से इस मिरर की, एक सेकंड रुको। हाँ, तो इस पूरे मिरर की अगर मैं ये पूरा मिरर बताऊँ, ये मुझे बोला था उन्होंने 6,000 रुपये, और आपको मेरी शक्ल देख के पता है मैं 6,000 में इसको कभी नहीं लूँगी। तो मैंने उनको बोला लास्ट प्राइस अपना बताओ, और इसके लिए मैं बहुत धक्के खाई हूँ, बार बार गई फिर वापस आ गई, फिर गई फिर वापस आ गई। तो ये मैंने लिया है 2600 रुपये का, 2600 का। मुझे पता है थोड़ा सा कॉस्टली है, बट यार मुझे ज़रूरत थी इसकी। सी बट इससे ना बहुत अच्छा लुक आ रहा है, देख रहे हो आप ऐसा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने इस प्लांट की। ये वैसे तो प्लांट्स मुझे खरीदने हैं बहुत सारे रूम के लिए, ये पड़ा मुझे 250 रुपये का। के उसके बाद बात करते हैं हम ये होल्डर की, मतलब ये मुझे अच्छा लगा यार, और ये था 100 रुपये का। और ऐसा मेरे पास एक बैग भी है जो मैं बाहर आने जाने में यूज़ करती हूँ, ये रहा, ये भी 200 रुपये का था, पर ये सरोजनी से था। उसके बाद मुझे सबसे अच्छा लगा ये मैट, ये मैट आप खुद देखो यार, ये मैट कितना अच्छा है, ये देखो कितना बड़ा मैट है ये। और ये मैट था वैसे, पता है ये सारे मैट अगर हम अमेज़न वगैरह पे देखते हैं बहुत महंगे महंगे मिलते हैं ये, बहुत सारे। तो मैंने सोचा इसको कम प्राइस में लेना सही रहेगा, और अगर बंजारा मार्केट जा रही हूँ तो मैं वहीं से क्यों ना खरीदूँ, मैं क्यों कहीं और से खरीदूँ। तो ये मुझे पड़ा बस 300 रुपये का, और ये मुझे अच्छा लगा। और पता है मैं दोबारा जाए गई आशु के साथ, तो ये मुझे नहीं मिला, क्योंकि उस दिन मेरा लक था कि मुझे 300 में दे दिया उन्होंने, अब मुझे नहीं दे रहा कोई भी 600 से नीचे, तो मैं इसमें भी खुश हूँ। उसके बाद है ये एक छोटा सा ऐसे, यार ये मुझे नहीं पता ये किस काम आएगा किस काम नहीं, बट ये सिर्फ 40 रुपये का था, और मैंने सोचा कि मैं इसको पेंट करके कुछ अच्छा कर सकती हूँ। या उसके बाद हम बात करते हैं अपने इस लैम्प की। ये लैम्प मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये लैम्प था 2000 रुपये का, 1900 का था, बट इसके अंदर 100 रुपये का बल्ब भी लगा के दिखाया। और पता है मैं इसको ले सकती थी अमेज़न से भी, बट यार उन वो ना छोटे थे उसके बच्चे, और वो ना आंटी थोड़ा सा हाथ जोड़ रही थी, तो मुझे लगा कि अमेज़न से 1600 रुपये का खरीदने से अच्छा है इनके यहाँ से 2000 का खरीद लूँ, ताकि यार वो खुश तो रहे बेचारे, वो भी तो मेहनत करते ही हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ वो, ये पता है ये ऐसे ही गत्ते का है, ये 40 रुपीज़ के हैं, और इन पे मैं पेंट करके लगाने का सोच रही थी इनको। मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी और कब यूज़ करूँगी, और अभी तो मुझे बहुत कुछ अपने न्यू हाउस में करना है, तो मुझे अपने न्यू हाउस में बहुत कुछ करना है, और मेरे न्यू हाउस में हवा चल रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं आपको फटाफट से सब कुछ दिखाती हूँ। तो पहला है ये बुद्धा का गमला, बुद्धा ही होते ना ये बुद्धा का गमला, जो कि मुझे 80 रुपीज़ का पड़ा, और मुझे खुशी है। बात करते हैं इनकी, ये मुझे ऐसे ही मिले दो, बात होगी ना वैसे 500 का देती हूँ, मैंने 100-100 रुपये में खरीदे, और उसको मैं दीवार पे लगा के इसमें कुछ करूँगी, और पूरा आपको वो भी दिखाऊंगी पूरा, जब अच्छा पूरा घर होता है तो उसके बाद अच्छा जो हो जाता है वो। इसके अंदर मैं अपनी बुक्स रखूंगी जो कि मैं पढ़ूंगी नहीं, पर रखनी है यार। उसके बाद है संदूकड़ी, जो कि हट जा मक्खी, और इसके अंदर ना ऐसे करके दो छेद बने हुए हैं, या तो मैं इसमें बैठ सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं ये फ्रेम्स लेके आई हूँ। यार थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आए तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। तो ये मैं फ्रेम्स लेके आई हूँ बहुत सारे, ये मुझे 30-30 रुपये में पड़े सिर्फ, और ये ऐसे नहीं थे, ये ऐसे थे, पर मैंने इनको पेंट किया है, ये तो मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, ठीक किया मैंने। और ये ऐसे 30-30 रुपये के था, ये भी 30 का ही था, ये ऐसे करके मुझे नहीं पता चकला किस काम आएगा ये, पर ये मेरे को दीवार पे लगाना है। और ये मुझे मिली तिजोरी मेरी एक मेरी, मैंने इसको सोचा ये भी 100 रुपये का है, ये भी मैंने जो वो खरीदे थे ना ये वाले, इसके साथ ही खरीदा था और वहीं से उठाया था। तो ये ऐसे करके खुलता है। कुशन्स तो हैं तो कुशन्स ही, पर वो कुशन से मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और मैं आपको दिखाती हूँ अपने और चीजें। पता क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, और बस हम पंखे की गर्मी में बैठे हैं। ओके, तो ये मैंने कुशन्स भी खरीदे, कुशन्स भी खरीदे हैं। ये 150 का एक है, तो ये 150 का, ये भी 150 का, ये भी 150 का, और इसका भाई ये भी 150 का।
मतलब ये मुझे अपना घर लग ही नहीं रहा है, मुझे इतना अमीरों वाला घर लग रहा है क्योंकि उसमें सारे सामान इतना अच्छा और मेरी पसंद का, अभी तो और भी आना बाकी है पर मैं फटाफट से लाके वो भी आपको जल्दी से मुझे नहीं पता इनको बोलते क्या है पर है ये कुछ दीवार पे लटकाने के। ये देखो एक है ये पूरा, ये था 200 रुपीस का, अच्छा लगेगा मेरे घर में। आप इसको ऐसा ड्रेस भी पहन सकते हो। एक ये है 250 रुपीस का क्योंकि मैंने बोला था थोड़ा सा बड़ा है तो उसके 50 रुपए दे दूं क्या, फिर वो चिपट गई तो मैंने कहा ले लो। ये भी है 200 रुपीस का, इसकी तोरी ले आई गाड़ी नहीं तो ये चिल्लाती रहेंगी। बट मैंने सोचा कि मुझे कोई अगर मार्केट है मैं जा रही हूँ और मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है अपने घर के लिए ऐसी चीजें सस्ते में खरीदने में, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी होगी इसलिए बस मैंने इसको बनाया। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये पसंद आया होगा। एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई कॉन्टेंट। एंड आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो और पता है जितना मुझे अप्रिशिएट करते हो मुझे सोचना नहीं पड़ता अपनी वीडियोज के लिए कि मैं आप इस पर बनाऊंगी इस पर, मुझे ऐसा लगता है यू गाइस आर रेडी टू वॉच एनी थिंग, लाइक जो भी मैं कुछ भी बना रही हूँ आप लोग खुशी खुशी देखते हो और सच में देखते हो और आप मुझे अप्रिशिएट करते हो। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर मी एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।